हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड फायर फाइटिंग। रेस्क्यू ऑपरेशंस किस में करेंगे हम? एयरक्राफ्ट में, और फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट के लिए। जब भी एयरक्राफ्ट कोई क्रैश हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले प्रॉक्सिमिटी सूट के बारे में एक बार पढ़ाया था, तो सबसे पहले हमें वो प्रॉक्सिमिटी सूट वेयर करना होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सूट क्या करता है? हमें बचाता है वहाँ की जो हीट है उससे, ठीक है, वहाँ की जो फायर है उससे हमें बचाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉक्सिमिटी सूट वेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू क्यों करना है? क्योंकि फायर एयरक्राफ्ट जो है वो तो क्रैश हो ही चुका है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, है ना, कितनी डेब्रीज हैं उसकी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसकी आग को तो बुझाना होगा ही ना, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो रेस्क्यू इसीलिए किया जाता है। अब हमने क्या करा, हमने जब सेफ्टी के लिए हमने प्रॉक्सिमिटी सूट पहना अपनी, और आग बुझाने की हमने कोशिश करी। तो अब हम क्या उस पर अप्लाई करेंगे? हम उस पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एरोप्लेन का जो ढांचा है जिसने आग पकड़ ली है, तो वो एक्सटिंग्विश होने में उसे समय लगेगा। तो अगर हम वाटर की जगह फॉर्म यूज़ करें तो हम जल्द से जल्द आग बुझा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अप्लाई फॉर्म अंडरनीथ द फ्यूजलेज एंड ऑल अराउंड, ठीक है। क्योंकि क्यों करा हमने फॉर्म अप्लाई? क्योंकि जो फ्यूजलेज है, जो एरोप्लेन का ढांचा है, उसके चारों तरफ हमें फॉर्म अप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज जो आग है वो जल्दी नहीं बुझेगी, ठीक है। आग चारों तरफ फैली हुई है, उससे हमें बचाव करना है, खुद का भी बचाव करना है और एक्सटिंग्विश भी करना है, आग को बुझाना भी है। तो हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए, हमें अपनी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट में अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि हम प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर ही अंदर जाएं, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सूट पहन के अगर आप अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब भी आप रेस्क्यू करते हैं तो इसमें आपको ये चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है, और उसके जो सारे टूल्स हैं वो भी आपके साथ होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जब अब आपको पता चल गया ये आग ऐसी एयरक्राफ्ट में आग लगी हुई है, आपने सारा अपना प्रोटेक्शन सिस्टम ले लिया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ले लिया, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि आपके पास बीएस हेड भी होना चाहिए, इन केस आपको जब अंदर जाना पड़ेगा रेस्क्यू करने, अंदर जाना पड़ेगा एयरक्राफ्ट के, जब आप सारी चीज़ें चेक करेंगे तो वहाँ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको अपना ब्रीथिंग एपरेटस भी साथ लेके जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप आपको एक्सटिंग्विश करेंगे। अगर आग ज़्यादा नहीं फैली है तो आप उसके पास जाके जिस एरिया में आग लगी हुई है सिर्फ उतने एरिया को ही एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, जिससे कि आग जल्दी बुझ जाएगी, ठीक है। देखिए, आग बुझाना, एयरक्राफ्ट का आग बुझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए रेस्क्यू टीम जो रहती है उन सबको इसी के लिए ट्रेंड किया जाता है, इसीलिए एयरक्राफ्ट्स के लिए ट्रेन किया जाता है कि कभी इन केस एयरक्राफ्ट में आग लगती है तो हम कैसे उसे कंट्रोल में लेंगे। क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है तो उनके जो व्हील्स रहते हैं उसमें स्पार्क्स जनरेट रहते हैं, ठीक है। स्पार्क्स जो जनरेट होते हैं उनसे भी आग लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो रेस्क्यू टीम है, इमरजेंसी टीम है, वो हमेशा रेडी रहती है फायर फाइटिंग के लिए। सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि फायर फाइटिंग की हमें कब ज़रूरत पड़ जाए हमें खुद भी नहीं पता है उसमें, है ना। तो इसीलिए तो आपको अपनी इमरजेंसी टीम भी तैयार रखनी है, आपको रेगुलर ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉइज़ को, जिससे कि अगर इन केस कभी ऐसी आग लगती है तो आप उसको एक्सटिंग्विश कर पाएँ, ठीक है। आप हमेशा प्रिपेयर रहें उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में यही था। आप प्रिपरेशन इसलिए करते हैं ताकि आपको पता लग पाए कि जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमारे एयरक्राफ्ट को इतना नुकसान हुआ, एयरक्राफ्ट की कितनी डेब्रीज हमारे पास हैं, ठीक है, और जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो पर्सन्स थे क्या वो ठीक हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता लगानी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसका रेस्क्यू करते हैं तभी हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। रेस्क्यू करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता लग सके कि हमारी जो एयरक्राफ्ट है उसमें कैसे आग लगी थी, कैसे वो क्रैश हुआ, ये सारी चीज़ें हमें तभी पता लग पाएंगी, ठीक है। तो मैंने ये आज आपको
रेस्क्यू ऑपरेशन एंड फायर फाइटिंग इन एयरक्राफ्ट्स बताया कि आप एयरक्राफ्ट की फायर फाइटिंग कैसे करते हैं। देखिए फायर फाइटिंग तो सभी की सिमिलर रहती है, बस इसमें यह है कि आपको प्रॉक्सिमिटी सूट पहन के आप फायर फाइटिंग करें। वैसे तो हर जगह ही आपको प्रॉक्सिमिटी सूट पहन के फायर फाइटिंग करनी चाहिए, जिससे कि कभी इन केस अगर कोई हार्म होता है तो वो आपको ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि आग से निकलने वाली जो हीट है उससे अगर कभी हार्म होता है तो आपको उससे नुकसान ना पहुंच पाए। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ऐसा रेस्क्यू कोई करने जाएं तो आप अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अपने साथ रखें, और अगर हीट में जाना है आपको, इस तरीके से आग में जाना है, तो आप हमेशा प्रॉक्सिमिटी सूट वेयर करके ही उसमें जाएं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये फायर फाइटिंग से रिलेटेड था, रेस्क्यू हम एयरक्राफ्ट में कैसे करें। इसके बाद मैंने आपको बाकी फायर सूट, फायर एंट्री सूट के बारे में बता चुकी हूँ, और प्रॉक्सिमिटी सूट के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। तो उतना टफ नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें इधर से मैं बता चुकी हूँ आपको कि प्रॉक्सिमिटी सूट क्या होता है, फायर एंट्री सूट क्या होता है ना, आपके कॉमन जो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, वो कॉमन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या है, भाई आपका हेलमेट हो गया, ठीक है, हेलमेट, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें, तो वो सब आपको हमेशा वेयर करनी होंगी जब आप वर्किंग कंडीशन में हैं, तो वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उतना टफ अभी ये नहीं रहा क्योंकि इसमें मैंने आपको दो टॉपिक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन फायर फाइटिंग ने एयरक्राफ्ट बताया, सो थैंक यू।